आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक नंदा। मैं आपको आज कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ आपके सामने, जैसे कि ट्राइसेप्स का वर्कआउट लाया हूँ मैं आपके लिए, जो आपके ट्राइसेप्स को इतना अच्छा हिट कर देगा, पंप आपको बहुत अच्छा दे देगा ट्राइसेप्स में। तो जो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको लीन बनने के लिए कौन सा वर्क, कितने रेपिटेशन मारने हैं, और एक जो बल्क लड़का होता है उसको कितने रेपिटेशन मारने हैं, और कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप देखें और मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ट्राइसेप्स की पुली पुल डाउन, जो आपको ट्राइसेप्स से हिट, सबसे पहला मसल हिट करता है ट्राइसेप्स का, जब आपको नीचे प्रेस डाउन करते हैं तो आपके इस मसल को हिट करता है। सेकेंड एक्सरसाइज आपके बोथ हैंड डंबल। बोथ हैंड डंबल में लोग गलती कर देते हैं कि आप स्ट्रेट ले जाते हैं, आपको स्ट्रेट नहीं लेना, बस हाफ और रिस्ट को आपको बैंड रखना है अपने। तो आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, इसमें चलिए दोस्तों मैं आपको आपको थर्ड एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, जो आपकी एक्सरसाइज है स्कल क्रशर, जिसे हम लोग ईजेड कर भी कहते हैं, और आपको फ्लैट बेंच पे करना है। फ्लैट बेंच में आप जब करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी लेके जाना, आपके हेड से पीछे जाएगा वो और अप आएगा। जब आप हेड से पीछे जाएंगे तब आपका मसल हिट होता है और आपको होल्ड करना है हमारे। दोस्तों आपकी लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, इसे क्लोज बेंच भी कहते हैं, नैरो बेंच भी कहते हैं। आप जब भी करते हैं इसको आपको अपनी बॉडी को पहले पोस्चर रखना है कि फ्लैट रखना है आपको, और आपके हिप्स और लोअर बैक में हल्का सा गैप रहेगा, और आपको इस लेवल पे लेके जाना है अपनी चेस्ट से नीचे। अगर आप चेस्ट पे ले जाएंगे तो आपका चेस्ट पंप होगा, ट्राई से 50% पंप होगा। आपको अपनी चेस्ट से नीचे लेके जाना है लोअर पार्ट से, और ऊपर हिट करना है कोई भी ट्राइसेप्स के मसल के लिए, आपको ऊपर ही हिट करना है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप रॉन्ग चीज़ें कर देते हैं। आप भारी वेट के चक्कर में आप लाइट वेट के सोचते हैं कि लाइट वेट से बॉडी नहीं बनेगी, हैवी वेट से बॉडी बनेगी, तो हैवी वेट के चक्कर में आप अपने को इंजर कर देते हैं। तो हैवी वेट पे ना जाएं, पहले आप अपने वेट को देखें कि आप अपने अकॉर्डिंग कितना वेट उठा सकते हैं, और लाइट वेट से भी बॉडी बनती है। ये नहीं सोचना कि आप हैवी वेट ही उठाएंगे, लाइट वेट उठाएं। रेपिटेशन आपको मैं बता देता हूँ, लीन बंदे को कितना रेपिटेशन करना है उसी रेपिटेशन के हिसाब से आप वेट उठाना है। ये आप वेट उठाते हैं शोल्डर के बेस में नहीं उठाना, ट्राइसेप्स जो हिट कर रहे हैं उसी मसल के हिसाब से वेट आपको करना है। आप जैसे लीन बनना है तो उसको रेपिटेशन जो मैं बता देता हूँ आपको, टिप दे देता हूँ, रेपिटेशन आपको मानने 15, 14, 12, 10 और वर्कआउट जो आपको बताएं उनमें आप यही रेपिटेशन यूज़ करेंगे। और प्लीज़ सीक्वेंस ये यूज़ करें, पहले पुली पुश डाउन, सेकेंड बोथ हैंड डंबल, थर्ड आपका हो जाता है इजिप्टिकल फ्लैट बेंच पे, देन नैरो बेंच लास्ट एक्सरसाइज। और थोड़े से जो हैवी लड़के हैं, जो मोटे हैं, उनके लिए आप रेपिटेशन थोड़े ज़्यादा करेंगे, जैसे 20-25 रेपिटेशन हो गए, आप 20 से स्टार्ट करना, 20, 18, 16, 12 ये रैप यूज़ करें। और बाकी आप मुझे शेयर करें और लाइक करें, और मुझे भूलें ना, आपका दोस्त दीपक नंदा, देन नेवर गिव अप।